अकबर तोरे भरोसे बोझे मोती न मरिया बतवरिया हमारे माते का अपरी माथे का परी अपरी माथे का परी भगवान तोरे भरोसे बोझे आजी न मरिया बतवरिया हमारे माथे जर नैया डगमग डोले नाही कोई किनारे जर नैया डगमग डोले लागत नाही किनारे चार परानी घर में हमारे तन पाई मुसीबत सूझत नाही डगरिया बतवरिया हमारे माथे पर पड़ी माथे पर पड़ी हमारी माथे पर पड़ी घर में चार पर आनी सूझत नाही डगरिया मुरारी कृष्ण के गौनन बंसी तनी मदन मुरारी हमरे ऊपर बंसी तनी बजावा तन पे हमारे पारी मुसीबती सजावा ज्ञानी मागति बाटई तो सियाजी गुदरिया पटवरिया हमारे हमारी माथिए पैपरी हमारी माथिए पैपरी भगवान तुम्हें परोसिए बोझिए आजी नमरिया पटवरिया मेरे तीन बच्चे जो छोटे छोटे से रापा देकर उन बच्चों को पाल पोस के बड़ी कर दी हूं लेकिन मेरे आकाश न जाने कहां है मेरा ध्रुव कहां है और मेरी चांदनी बेटी काकी पलागी काव काकी आज काकी हमारा उदास यहाँ का बात यहाँ बेटवा आ काकी यह उदास यही हाँ? कि अपन ऐसे बुढ़ाई लेके अपने ना ना लड़कन के पढ़ाई लिखाई के आकाश बेटवा के हाँ काकी और अपने ध्रुव बेटवा के हाँ? लेकिन दुख कही है बात यह है बेटवा मिश्रा का दुख है काकी कि अपने चांदनी बिटिया का हम पढ़ाई लिखाई नहीं पाए बेटवा हाँ, काकी बात बस यह दुखी है और कोनो बात नहीं देखा माया काश बेटवा कंपनी में काम करे जा थी हाँ, काकी वही से कमाए की दुई पैसा लावा थी बेटवा तो हमारे घरे के गृहस्थी चलत है सही है काकी अपने घरे के चार जने ही देखा माया बेटवा अगर छुट्टी पाओ या कंपनी से तब आवत हुई बेटवा हम उनके इंतजार करते हैं मिश्रा बेटवा आकाश भैया आवत हुई है चला काकी बैठ के इंतजार का आवश्य जरूर यहाँ पर उपस्थित सभी जनता जानतन हम उमर भाई पिता त्रिभुजुर तथा प्रांगण में
उपस्थित माँ बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, मेरा नाम आकाश है और मैं इसी जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। परिवार में मैं हूँ, मेरी माता जी हैं, मेरे एक छोटा भाई है जिसका नाम ध्रुव है और मेरी छोटी बहन का नाम चांदनी है। मैं रतन खंडेवाल स्टील फैक्ट्री का एक वर्कर हूँ और मैं वर्करों का यूनियन लीडर हूँ। अरे मिश्रा जी, आकाश भैया नमस्ते। नमस्ते 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 का हाल यार फैक्ट्री भैया? सब ठीक है मेरे भाई। ड्यूटी कायदे से चलती है ना भैया? ड्यूटी क्या कायदे से चलेगी मेरे भाई, क्या हुआ भैया? देख रहे हो कि लॉकडाउन लोगों का कमर तोड़ कर रख दिया है। हाँ भैया, लॉकडाउन तो गरीबों को बर्बाद कर दिया। फैक्ट्री में काम करने के बाद भी हाँ भैया वर्करों को बराबर पैसा नहीं मिल रहा है मेरे भाई। हाँ भैया, मजबूरी तो इसी बात की है कि मैं सोच रहा हूँ। हाँ भैया, कि मेरे भाई ध्रुव की पढ़ाई चल रही है। हाँ। और मेरी बहन चांदनी भी शादी योग्य हो गई है। क्यों नहीं भैया, मैं सोचता हूँ कि कैसे परिवार का खर्च चलेगा, कैसे मेरे बहन की शादी होगी। हाँ भैया, एक बात बताओ। हाँ भैया, कि इस समय माता जी कहाँ है? माता जी बैठी हुई है घर में। चलो पहले माता जी से मुलाकात करता हूँ। आइए भैया। मेरे लाल आकाश, तू कंपनी से वापस आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी बेटा। लेकिन जब तू कंपनी से आता था तो बहुत हंसमुख से रहता था, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ बेटा। बोल माँ, क्या कहना चाहती है? अरे मेरे लाली क्यों सरी झुकाया हुआ है, मेरे लाली क्यों सरी, मेरे लाली क्यों बोझ सरी पे तुम्हारे है बेटा, बड़ी बोझ सरी पे तुम्हारे है बेटा, किसी लिए तू दिल दुखाया हुआ है, तू किस लिए दिल। मेरी बात सुनो माँ, और बढ़ी जा रही माँ है उलझन हमारी। क्या बेटा? कंपनी से इतना काम करने के बावजूद भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है माँ। मैं सोच रहा हूँ कि परिवार का खर्च चलेगा माँ,
और मेरे भाई ध्रुव की पढ़ाई कैसे होगी माँ? बेटा आकाश, तू ही तो मेरी आंखों का तारा है। अगर तू अपने दिल में ऐसी बातें सोच लेगा तो रही चांदनी मेरी बिटिया और मेरा ध्रुव, बेटा आप ही तो काम करने वाले होंगे। अगर ऐसे सोचोगे तो कैसे आगे काम होगा बेटा? मेरे ध्रुव बेटे की पढ़ाई कैसे होगी? आखिर चांदनी भी तो सयानी हो चुकी है ना। माँ तुम चिंता मत करो माँ, अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी माँ तो मैं कहीं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा माँ, लेकिन मैं अपने भाई की पढ़ाई बंद नहीं होने दूंगा माँ। और किसी न किसी तरीके मैं अपनी चांदनी की भी शादी कर दूंगा माँ। हाँ बेटा, लेकिन क्या बात है माँ कि ध्रुव अभी कॉलेज से आया नहीं माँ। यही तो मैं सोच रही हूँ बेटा कि यदि सुबह से शाम होने वाले, लेकिन आज तक अभी मेरा बेटा तो 4 बजे आ जाता था, लेकिन अभी ध्रुव आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। शायद लगता है मुझे कहीं दोस्तों के साथ इधर उधर कहीं खेलने तो नहीं निकल गया बेटा आकाश। हो सकता है बच्चा है कहीं किसी के साथ खेलने गया हो या किसी काम से गया होगा माँ। देखो बेटा आकाश, आता ही होगा मेरा लाडला, लेकिन थोड़ी देर मैं इसको वेट करती हूँ, इंतजार करती हूँ, शायद मेरा बेटा आ जाए। चलो ठीक है। बड़े भैया, बेटा ध्रुव तुम कहाँ रह जाते हो? सारे बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं, देखो हमारा बड़ा बेटा आकाश आपके लिए कितना परेशान रहता है, सब बच्चे आ जाते, लेकिन तुम रास्ते में क्या करने लगते हो? माँ मैं बता रहा हूँ माँ, ऐसा हुआ साथ में हमारे रामू गया हुआ था और दोनों आदमी बातें करते आ रहे थे, इसी से थोड़ा लेट हो गया। माँ मेरी बात सुनिए, बड़े भैया और माता के चरण करूं भैया। और आपसे हमेशा यही सोचता हूँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि हम हर काम में कामयाबी पाए माँ। लेकिन बेटा ध्रुव, अरे जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशी। बेटा ध्रुव, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हमेशा तुम्हारे माँ का आशीर्वाद है कि हमेशा अपना आगे नाम रोशन करना बेटा। ठीक है माँ। लेकिन बड़े भैया आपको बहुत इंतजार कर रहे थे आपका, बड़े भैया से आप नहीं मेरे आकाश से बेटे से नहीं बात करोगे? भैया बोलो आपकी क्या राय है? मेरे भाई मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे भाई तुम देख रहे हो
कि इतनी जी तोड़ मेहनत करके मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तेरी पढ़ाई का क्या हाल है मेरे भाई। हाँ भैया, ये आपने तो अच्छा किया। सुनो भैया, मैं बता रहा हूँ आपसे, आई पास इस चक्कर एग्जाम में हो गया, पास इंसेक्ट एग्जाम में हो गया और मिला मुझको गोवा का कॉलेज है, आज ही जाना होगा मुझे ट्रेन से। ट्रेन से बोलो भैया जी क्या आप की राय है आज। भैया मैं जो टेस्ट दिया था वो टेस्ट में मैं पास हो गया हूँ और मुझे गोवा का कॉलेज मिला है और मुझे आज ही जाना होगा क्योंकि 3 दिन बाद मेरा एडमिशन है। अगर मैं नहीं पहुंच पाया वहां पर मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। भैया बोलो आपकी क्या राय है। मेरे भाई, क्या कहा तुम्हें गोवा का कॉलेज मिल गया है, लेकिन दुख की बात तो यह है मेरे भाई कि इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मेरे भाई तू कैसे जाएगा, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। ठीक है भैया, तू चिंता मत कर, अगर मुझे आप आज नहीं भेजेंगे तो फिर मैं वहां पे एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। आखिर आप चाहे जैसा भी करें, आप कहीं ना कहीं से मेरा बंदोबस्त करिए भैया। चांदनी गुड़िया कैसी है मेरी गुड़िया? भैया वाह, आप लोग आज बिना ये प्यारी बहन से बिना बताए भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे गुड़िया, बड़ी खुशी की बात है कि तेरा भाई ध्रुव जो टेस्ट दिया था टेस्ट में पास हो गया और इसे गोवा का कॉलेज मिला हुआ है। क्यों नहीं भैया, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात तो है चांदनी। क्या? कि तू देख रही है कि तेरा बड़ा भैया जी तोड़ इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन ने कमर तोड़ कर रख दिया है गुड़िया। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है बहन, मैं कैसे ध्रुव को भेज दू, कैसे पढ़ाई करेगा। मैं सोच रहा हूँ कि चलकर सेठ जी के यहाँ से कर्ज ले लूं, सेठ कन्हैया लाल जी के यहाँ से कर्ज ले लूंगा, कर्ज लेने के बाद मैं इसे दे दूं और ये पढ़ाई करने के लिए चला जाए। क्या आप ये क्या कर रहे हो भैया कि आज मैं कर्ज लेने जाऊंगा? हाँ गुड़िया, अगर मैं कर्ज नहीं लूंगा तो कैसे जाएगा पढ़ाई करने के लिए? लेकिन भैया आप तो जानते हो कि आज धनतेरस का दिन है, आज तुम्हें पैसा कोई नहीं देगा भैया। लेकिन ये छोटी बहन आपकी जो आपको आपकी कलाई में राखी बांध करती थी, आप दोनों के भाई के मैं राखी बंधा करती थी हर साल, वही रज बधाई जो आपने मुझे दिया था भैया उसी को मैं, मेरे पास 600 रुपए है जो कि आज 3 साल का हो गया है भैया, लेकिन आज वो पैसा मैं आपको दूंगी और उससे मेरे भैया की पढ़ाई अच्छी सी करवाना भैया। अरे आप कहीं मत जाओ भैया। मेरी बहन क्या कह रही है कि 3 साल से वो राखी पे जो पैसा हम लोगों ने दिया था वो 3 साल का पैसा तू अपने पास रखी है मेरी बहन? भैया आखिर वो पैसा
आखिर वो पैसा किस काम में आएगा भैया? आपने तो मुझे दिया है, अगर आपको मैं नहीं दूंगी तो फिर उसको मैं किस काम में लूंगी भैया? वाह भगवान, आज मैं क्या सुन रहा हूँ। ये आ गई श्रीमान मानवर अनूप पान भंडार। भैया चले जाएंगे, ए भैया गुरुजी की तरफ से 30 रुपया इनाम दे रहे हैं रस्ते के भैया खर्चे के लिए। मेरे आकाश को दे दो, मेरे भाई आकाश ये पैसा ले लो। और चांदनी तुझे 600 रुपए और दे रही है। हाँ भैया, उसे लेकर मेरे भाई तुम गोवा चले जाओ, और मेरे भाई गोवा जाकर पढ़ाई करना, अपने इस भाई का नाम रोशन करना। मेरे भाई वहां जाकर कोई ऐसा काम मत करना मेरे भाई कि जिससे परिवार में स्कूल में दाग लग जाए। मेरे भाई भैया मैं पैसा लेकर अभी आती हूँ। ठीक है भैया, मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, किराए भर के पैसे हो जाएंगे भैया, लेकिन मेरे जाने के बाद वहां आप किसी भी तरह व्यवस्था करके भैया वहां पर पैसे भेज देना, ताकि मैं अपना एडमिशन करवा लूं। भैया तुम चिंता मत करो मेरे भाई, तुम वहां पहुंचो, मैं किसी न किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके या किसी से कर्ज लेकर मैं तुम्हारे पास पैसा बहुत जल्द भेज दूंगा मेरे भाई। ठीक है भैया। भैया ये लो पैसा आकाश, और मेरे आकाश भाई को दे दीजिए। ये पैसा ले ले मेरे भाई। लेकिन भैया ये बहना से एक वादा करो, मुझे वचन दो भैया कि मैं रक्षाबंधन के त्योहार के दिन घर वापस आ जाऊंगा बहन, मुझसे वादा करो भैया। बहन ये तेरा भाई तेरे से वादा करता है बहन कि रक्षाबंधन के दिन मैं चाहे जहां पर भी रहूंगा, चाहे जिस जगह रहूंगा, लेकिन ये तेरा भाई रक्षाबंधन के दिन जरूर तेरे पास आएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे भाई चाहे जहरा रहना, लेकिन अपने इस भाई को भूल मत जाना है मेरे भाई। नहीं भैया, अरे अपने राम जैसे भाई को मैं कैसे भूल सकता हूँ भैया। चावना बेटा ध्रुव अपना ख्याल रखना मुन्ना। बेटा आकाश माँ, आज मेरा ध्रुव बेटा पढ़ने के लिए दूर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद आप क्या करेंगे बेटा? माँ तुम चिंता मत करो, चांदनी बेटी है ना। माँ चिंता मत करो, कल दिवाली है माँ, कल दिवाली है, मैं चलकर अपनी तनख्वाह लूंगा माँ, उसके बाद किसी न किसी तरीके अपनी दिवाली मनेगी माँ। क्यों नहीं माँ, आप चिंता मत करो माँ, भैया तो है ना। माँ मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री में। जाओ बेटा, बेटी चांदनी, आज मेरा छोटा बेटा ध्रुव पढ़ने के लिए चला गया, और मेरा आकाश बेटा कंपनी में, क्योंकि कल दिवाली है ना बेटी, क्यों अगर घर में पैसे नहीं रहेंगे तो दीप कहाँ से जलेंगे। सही कहते हो माँ, लेकिन माँ अब चलिए और मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद में भैया भी फैक्ट्री से आ जाएंगे, हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे।
चलोगी बेटी, लेकिन कल तो दिवाली का त्योहार है ना, लेकिन हमारे काश बेटा और ध्रुव बेटा तो आकाश ही रहेंगे, लेकिन ध्रुव तो है नहीं ना। मारी भगवानी गिरे दिना पाई लैला मोरी खबरिया, अरे भगवानी गिरे दिना पे लैला मोरी खबरिया, चुनरिया एक दिन ओढ़ी कपड़ी, तीन है बच्चे छोटे हमारे तनिको नाही सहारा, बीच भवारी में पानी है लैया सूझिए नाही किनारा, भगवान अब तो लगाया मोरी सहैया चुनरिया एक दिन दे या को धन दे। लॉकडाउन चाहे जौन कई डावे, लॉकडाउन में दुनिया बर्बाद हो गई। जहां 35,000 भैया तनख्वाह रहे आज 15,000 पावता, वो मिले कि ना मिले। अरसिया दुलारी बिटिया, अरसिया दुलारी बिटिया, अर नई हर नगरी रहा कुआरी दिया